हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा इंटीजर एक्सरसाइज 1.3। तो इससे पहले बच्चों, जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी वो क्वेश्चन नंबर 2 तक थी। तो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला वाला पार्ट पढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। फॉर एनी इंटीजर ए, मतलब कि कोई सा भी इंटीजर ए ले लिया हमने। एनी इंटीजर हमारा क्या है? ए। देखो यहां पर लिख देता हूं, यहां पर बोला हुआ है एनी इंटीजर। वो कह रहा है आप कोई सा भी इंटीजर ले लो और उसको बोल दिया ए। क्या बोल दिया? ए। फॉर एनी इंटीजर ए, मतलब कोई सा भी इंटीजर ले लो ए, व्हाट इज माइनस वन इंटू ए इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? तो देखते हैं बच्चों, माइनस का वन इंटू ए इज इक्वल टू, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक तरफ तो मेरा नंबर है और दूसरी तरफ मेरा वेरिएबल है। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ नंबर और एक तरफ वेरिएबल है। पहले तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। वन को अगर आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, वन को टू से करते हैं तो टू आता है, वन को थ्री से करते हैं तो थ्री आता है, वन को फोर से करते हैं तो फोर आ जाता है, तो वन को ए से करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम करेंगे साइन को। यहां पर साइन है माइनस का और यहां पर साइन है प्लस का। तो बच्चों इस वाले साइन और इस वाले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस यहां पर आ जाएगा माइनस। याद रखना, हम यहां पर कर रहे हैं मल्टीप्लाई। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले तो हम टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में उसके साइन को। यहां छोटा बड़ा नहीं देखते, छोटा बड़ा जो होता है वो हमारा प्लस माइनस में होता है। ऐसे वाले में तो पहले टर्म को मल्टीप्लाई करो, बाद में उसके साइन को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो। तो बच्चों हमें पता चल गया माइनस वन इंटू ए किसके बराबर होगा? माइनस ए के बराबर होगा। तो ये आपका आंसर है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों तीसरे का सेकेंड पार्ट हम पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हो? डिटरमाइन द इंटीजर वोज प्रोडक्ट विद माइनस वन इज, हमें प्रोडक्ट निकालना है। मतलब कि बच्चों माइनस वन को हमें इसके साथ प्रोडक्ट करना है, फिर माइनस वन को इसके साथ प्रोडक्ट करना है, फिर माइनस वन को इसके साथ प्रोडक्ट करके आंसर बताना है। तो चलिए करते हैं, हम अपने माइनस वन का प्रोडक्ट करेंगे पहले इसके साथ। देख सकते हैं आप लोग, है ना, माइनस वन का प्रोडक्ट कर रहे हैं माइनस 22 के साथ। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। चलिए देखें, पहले टर्म को करेंगे, 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा 22। आप देख सकते हैं, अब साइन को करेंगे माइनस माइनस आपका होता है प्लस। आप चाहो तो प्लस लगाओ या तो मत लगाओ, आपकी इच्छा, ठीक है बच्चों। यहां पर देखते हैं, अब दोबारा से माइनस 1 का प्रोडक्ट करना है 37 के साथ। आप लोग देख सकते हो माइनस 1 का प्रोडक्ट है 37 के साथ। तो पहले तो हम टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को अगर 37 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर 37 ही आएगा, ठीक है बच्चों। टर्म को कर दिया, अब बारी है साइन को मल्टीप्लाई करने की। माइनस और यहां पर कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाता है, माइनस प्लस माइनस। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या आ गया? माइनस का 37। चलिए यहां पे करते हैं जल्दी से, माइनस 1 को प्रोडक्ट करेंगे 0 के साथ। आपको पता है 0 के साथ जो भी होता है पहले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 0 पे कोई साइन नहीं, प्लस का ही छोड़ देना हमेशा, ठीक है। अच्छा, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 ही बन जाएगा, और 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाता, मतलब प्लस का ही रहने देते हैं हमेशा, ठीक है, माइनस का साइन नहीं लगाते। तो बच्चों जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आए हम यहां पर, अब इसे पढ़ते हैं क्या लिखा है। फाइंड द प्रोडक्ट, हमें इसे सॉल्व करना है और प्रॉपर्टीज लगाकर करना है, ठीक है। अभी तो मैं आपको इसे सिंपल नॉर्मल तरीके से पहले सिखाऊंगा। पहले मैं चाहता हूं कि आप इंटीजर में थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, प्रॉपर्टीज पे मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो आपको नॉर्मल तरीके से बताता हूं। देखो आप देख सकते हो यहां पर, ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, 26 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 48 के साथ, और यहां पर देखो कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 48 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 36 के साथ। यहां पर इन दो का प्रोडक्ट हो रहा है और यहां पर इन दो का प्रोडक्ट हो रहा है। पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है पहले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे बाद में साइन को, तो 26 को 48 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों, 26 को 48 से कर लेते हैं जल्दी से मल्टीप्लाई। देखते हैं बच्चों क्या आता है, 8 6 48, 8 2 16, 4 20, 4 6 24, 4 2 8 और 1 10, 8 4 2 1। तो बच्चों आंसर आ गया 1 2 4 8 आंसर आ गया हमारा। ध्यान से सुनना बच्चों, 1 2 4 8 आ गया टर्म्स को मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे टर्म को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1 2 4 8। अब करेंगे इनके साइन को मल्टीप्लाई, यहां पर प्लस का साइन है यहां पर माइनस का है, तो प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों माइनस, ठीक है। देखो ये पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब बारी है इसको सॉल्व करने की, प्लस है ना तो प्लस लिख देते हो यहां पर। अब बारी है इस वाले को सॉल्व करने की, तो पहले तो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 48 और 36 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से।
सिक्स एट जा 48, छह छह 6 4 24 28, तीन अट्ठे 24, तीन चौक 12, दो 14, आठ आठ चार 12, चार तीन 7, 21, 1728 आ गया आंसर, 728। ठीक है, हमने यहाँ पर टर्म को मल्टीप्लाई किया तो 1728 आंसर आ गया। ठीक है, टर्म को मतलब 48 को और 36 को मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आया। अब हम इनके साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो प्लस में आप इसे छोड़ भी सकते हो। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से बच्चों, 1248 कह रहा है माइनस करने को और 1728 कह रहा है प्लस करने को। दोनों की जो हमारे हमारी कमांड है वो एकदम अलग अलग है और अलग कमांड में हमेशा माइनस करते हैं। तो जल्दी से माइनस करके देखते हैं क्या आता है हमारा। 17, 28 और 12, 48 है, 0 और 5 और ये आ गया आपका 8 और ये नहीं 6, 480 आ गया। जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो 480 आंसर आ रहा है। अब 480 आ तो रहा है लेकिन साइन, ये जो आंसर आया है 480, इस पे साइन किसका लगेगा, जो इन दोनों में बड़ा है, बड़ा तो ये दिख रहा है, और इसका प्लस का साइन है तो यहां पर भी प्लस का लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो और चाहो तो प्लस लगा भी सकते। देखो सिंपल तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, तो जल्दी से इसे उतार लीजिए बच्चों। तो बच्चों बी वाला पार्ट देख सकते हैं आप लोग, जहां पर ये तीनों के तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। देख सकते हो आप, 8 हो गया, 53 हो गया और माइनस का 125 हो गया। ये तीनों आपस में टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो पहले तो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 853 और 125, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को यहां पर आंसर दिख रहा है। इसको इससे करा 1000, 53,000। 8 को, 53 इसको और 125 को, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 53,000 आंसर आ गया। अब बारी है टर्म को मल्टीप्लाई तो करके लिख दिया, अब साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर प्लस का साइन है, यहां पर भी प्लस का और यहां पर माइनस। प्लस 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 होता है और फिर प्लस माइनस हो जाएगा इधर माइनस। जब भी टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनके साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जल्दी से उतार लीजिए बच्चों। तो बच्चों सी वाला पार्ट है। अब हम देखेंगे तो ये चारों के चारों इंटीजर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले मैं इन दो को करता हूं, फिर इन दो को करता हूं। ठीक है, 15 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इनके साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनके साइन भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 25 चौक 12, 25 25 12 37, ठीक है आ गया 375 आ गया। ठीक है, अब बारी है इनके टर्म को मल्टीप्लाई करने की। यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन यहां बना दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, बाद में इनके साइन को करेंगे। देखो साइन माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आप चाहो तो प्लस साइन लगाओ या तो ना लगाओ, नहीं भी लगाओगे तो भी प्लस का माना जाएगा। याद रखना टर्म आपस में जब मल्टीप्लाई होती है तो इनके साइन भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब देखो यहां पर 375 और 40 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, करें 4 पंजे 20, 4 सत 28, 29 30 और 4 तिया 12, 3 15 और एक 0, लो 15,000 आ गया। 375 और 40 को मल्टीप्लाई करा 15,000। अब देखो टर्म आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई ना, तो इनके साइन भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस। तो बच्चों देखो मेरा ओवरऑल आंसर 15,000 आ गया, वो भी माइनस का। जल्दी से उतार लीजिए आप लोग। तो बच्चों डी वाले पार्ट में माइनस का 41 मल्टीप्लाई हो रहा है 102 से, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है आंसर, देखते हैं। 82 और ये आ गया 82 और 41 लो 4182 इज द आंसर आ गया। ठीक है, मैंने 41 और 102 को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इनके साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो डी का आंसर आ गया बच्चों, जल्दी से कर लीजिए। तो बच्चों अब मैं यहां पर ई वाले पार्ट में आपको प्रॉपर्टी लगाना बताता हूं। देखो ध्यान से, यहां पर देखो कौन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ध्यान से देखना, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है 625 और माइनस का 35। ठीक है, और यहां पर देखो कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो 625 और माइनस का 65। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पर 625 और 35 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर 625 और 65। अब बड़ी ध्यान से सुनना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, माइनस के 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर एकदम सेम होता है। मेरी बात को समझना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, अब साइन को करते हैं माइनस प्लस माइनस, देखो आंसर माइनस 2 आ रहा है। यहां पर देखो मैंने इसके माइनस के साइन को उधर भेज दिया, अब देखते हैं क्या कुछ आंसर बदलता है। यहां पर था ना माइनस का साइन, तो देखो माइनस का साइन तो यहां पर था, है ना, मैंने इस माइनस के साइन को यहां से हटाकर यहां लगा दिया,
मतलब यहां से साइन इसको दे दिया। देखो साइन को बदलने पर क्या आंसर चेंज हो रहा है, चेक करते हैं। वन को टू से मल्टीप्लाई किया, टू आया। अब साइन को करते हैं प्लस माइनस माइनस, अरे यार आंसर तो वही आ रहा है। चलो एक एग्जांपल से क्या होता है, हम दो तीन एग्जांपल्स और करते हैं, है ना, एग्जांपल्स और करेंगे तभी तो समझ में आएगा। माइनस के टू को फोर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर क्या आता है, और फिर टू को माइनस फोर से करेंगे। देखो यहां साइन चेंज कर दिया, जो साइन माइनस का इधर था वो उधर दे दिया। टू फोर जा एट, माइनस प्लस माइनस, यहां तो माइनस एट आंसर आ रहा है। चलो नीचे चेक करते क्या है, टू फोर जा एट प्लस माइनस माइनस, अरे सेम आंसर आ रहा है। मतलब अगर इस माइनस के साइन को इधर भी दे दिया जाए तो आंसर बदलता नहीं है, ठीक है, इस चीज को याद रखोगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर मैं प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं, ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर आपको ना दो इंटीजर दिख रहे होंगे, एक इंटीजर है 625 और एक है माइनस का 35। यहां पर भी आपको दो इंटीजर दिख रहे होंगे, एक है आपका माइनस का 625 और एक है आपका 65। देखो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। अब बच्चों बड़ी ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान से सुनना कि यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर मेरा इंटीजर 625 है और यहां पर भी इंटीजर 625 है। मतलब कि इन दोनों जो मैंने दोनों ग्रुप बना रखे हैं, इन दोनों ग्रुप में ये वाला इंटीजर एग्जैक्टली सेम आ रहा है। देखो ये रहा, ये देखो 625 और 625, लेकिन हल्का सा अंतर है, कुछ हल्का सा अंतर आ रहा है। देखो ध्यान से, यहां पर ये माइनस का और यहां पर ये प्लस का है। आपको पता है कि अगर मैं इस माइनस के साइन को इधर ले लूं तो क्या आंसर बदलेगा, माइनस का साइन चेंज करने पर आंसर बदलता है, नहीं ना। मैं इस माइनस को अगर यहां से देखो, या तो आप इस माइनस के साइन को उधर दे दो या तो फिर इसके माइनस के साइन को इधर को दे दो, इधर को दोगे तो देखो बन गया माइनस का 625, सेम हो गए। देखो समझ में आ रहा है, ये भी माइनस का 625 है और ये भी माइनस का 625 है, सेम हो गया ना एग्जैक्टली, पक्का। आपको पता ना माइनस का साइन इधर क्यों लेकर आया, ताकि ये भी माइनस का 625 बन जाए और ये भी माइनस का 625 बन जाए। बेटा अब यहां पर क्या है, हमारे दोनों ग्रुप में कोई ऐसी चीज है जो कॉमन है, कॉमन का मतलब जो इसमें भी आ रही है इसमें भी आ रही है, और वो कौन है कॉमन, माइनस का 625, उसको हम लिखते हैं बाहर, ब्रैकेट बनाते हैं। देखो जो चीज हमारे इन दोनों ग्रुप्स में रिपीट हो रही है, देखो ये भी माइनस का 625 है और ये भी माइनस का 625 है, दोनों में यही आ रहा है ना, तो मैंने क्या करा, इस वाली टर्म को बाहर निकाल दिया। अगर मैंने इस वाले ग्रुप में से इसको निकाल दिया तो क्या बचा, 35, क्या बचा, देखो ध्यान से देख सकते हो, 35 बचा, क्या बचा, प्लस का 35 बचा, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, मैंने इस ग्रुप में से मैंने अगर माइनस का 625 निकाल दिया, 35 बचा वो उतार दिया, फिर ये प्लस है, मैंने प्लस बना दिया, ठीक है। अब अगर इस वाले ग्रुप में से माइनस का 625 हटा दूं तो क्या बचेगा, 65, तो मैंने 65 बना दिया, और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इस तरीके से जो चीज रिपीट हो रही है उसे बाहर कॉमन ले लेना, इसे कहते हैं कम्यूटिविटी। टेंशन होते हैं बच्चों, दो तीन बार करोगे ना इसके क्वेश्चन, मैं दो तीन बार एग्जैक्टली करूंगा लगातार तो आपको आदत हो जाएगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है इसे, ठीक है। देखो 35 और 65 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। देखो मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर वाला और ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों आपस में होते हैं मल्टीप्लाई, 625 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 625 और ये आ गया 00, ठीक है। अब इनके साइन को, अगर टर्म आपस में मल्टीप्लाई हुई है तो साइन भी क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, देखो आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन को कम्यूटिविटी प्रॉपर्टीज करते, लिखते हैं बाय कम्यूटिविटी, कम्यूटिविटी का मतलब क्या होता है, इन दोनों ग्रुप्स में कोई चीज कॉमन आ रही थी। अब आप बोलोगे सर यहां तो माइनस का 35 था, 625 प्लस का था, मैंने माइनस का साइन अगर इधर ले भी लिया तो क्या आंसर बदलता है, माइनस का साइन बताया था ना इधर उधर करने से आंसर कभी नहीं बदलता। देखो 1 into माइनस का 4 और माइनस का 1 into 4 सेम होगा बच्चा आंसर, माइनस के साइन को अगर मैं इधर भी दे दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देख लो इसका आंसर भी -4 आएगा और इसका आंसर भी -4 आएगा, देखो सेम आंसर है, तो कभी भी माइनस का साइन चेंज करने पर कोई दिक्कत नहीं होती जब मल्टीप्लाई हो रहे होते, ठीक है। तो ये बाय कम्यूटिविटी था, जल्दी से उतारिए इसके ऐसा और क्वेश्चन। तो बच्चों उसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं दोबारा से ए वाले पार्ट पे आया, देखो अब इसे करवाता हूं। सबसे पहले आप इस ग्रुप को देखो और आप इस वाले ग्रुप को देखो, इस वाले ग्रुप में आपको माइनस का 48 दिखेगा और उस वाले ग्रुप में भी आपको माइनस का 48 दिखेगा, तो इसका मतलब माइनस का 48 कॉमन है तो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो जल्दी से देखते हैं, इसे माइनस का 48 हम बाहर निकालेंगे
तो जो बाहर जो कॉमन आ रहा होता है हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ गया आपका माइनस का 48। अब बना दिया मैंने ब्रैकेट, ठीक है। देखो जो चीज रिपीट हो रही है, इस वाले ग्रुप में भी माइनस का 48 है, इस वाले ग्रुप में भी माइनस का 48 है, तो जो चीज रिपीट हो रही है बाहर निकाल ली। अब इस ग्रुप को देखो, अगर इस ग्रुप में से मैं माइनस का 48 हटा दूं तो क्या बचेगा, 26। तो मैंने लिख दिया यहां पर 26, ये प्लस था, इधर आ गया प्लस। अब अगर इस वाले ग्रुप में से मैं माइनस का 48 हटा दूं तो क्या बच रहा है, माइनस का 36, तो मैं माइनस का 36 बना देता हूं। यार लेकिन दो ब्रैकेट कभी एक साथ, दो साइन कभी एक साथ आते हैं? नहीं आते तो हम क्या करते हैं, छोटा ब्रैकेट बना दूंगा इसके बाद, है ना, ऐसे करते हैं। चलो ठीक है, आगे करते हैं। माइनस का 48, 26, ब्रैकेट के बाहर वाला साइन और ब्रैकेट के अंदर वाला साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस, माइनस का 36। चलो ठीक है, पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मतलब इस वाले पार्ट को। या 26 कह रहा है प्लस करने को और 36 कह रहा है माइनस करने को, दोनों अलग अलग कमांड दे रहे हैं तो हमेशा माइनस करते। 36 और 26 को आपस में माइनस करोगे तो आएगा आंसर 10। अब जो आंसर आया है उसके उधर साइन किसका लगेगा, जो इन दोनों में बड़ा है, और बड़ा तो ये है, इस पे माइनस का साइन है तो इस पे भी माइनस का साइन लगा दिया। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से क्या होगा, मल्टीप्लाई, पता है ना, ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है। ये आ गया 480, टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो अब साइन को भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो यही आंसर उससे पहले भी आया था, यही आंसर अभी भी आया, ये बाय कॉम्यूटिविटी है, इसे कहते हैं बाय कॉम्यूटिविटी, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है उसे बाहर निकाल लेना, ठीक है, जल्दी से कर लीजिए बच्चों आप लोग। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, जैसा आपको पता है हम इसे सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से, तो यहां पर भी प्रॉपर्टी बाद में बताऊंगा, पहले तो सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 50 में से अगर 2 चला गया तो यहां पर आएगा 48 इंटू 7। देखो ब्रैकेट को सॉल्व करा ना मैंने, 48 आ गया, ये 7 और 48 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या आता है, 7 8 56 7 4 28 28 5 33। लो अब इनके साइन को भी करेंगे, देखो प्लस प्लस, यहां पे प्लस ही आएगा, ठीक है, आंसर है 336। जल्दी से उतार लीजिए आप लोग। तो बच्चों जी वाला पार्ट देख सकते हैं आप लोग, माइनस का 17 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 29 से, तो पहले तो हम टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे बाद में साइन को, ठीक है, 17 को इससे करते हैं 29, 17 9 जा हो जाएगा आपका 153, 3 और 15 17 2 34, 34 और 15 49, 493 आ गए इन्हें मल्टीप्लाई करके, ठीक है, हैं? अब हम करेंगे साइन को मल्टीप्लाई, माइनस माइनस, यहां पर प्लस छोड़ दिया मैंने, अगर कुछ नहीं भी लगाऊंगा तो भी प्लस ही माना जाएगा, ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए बच्चों। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो एच वाला पार्ट, तो जल्दी से इसे भी करते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर ना आपको ना दिखेगा यहां पर ये तो देखो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये देखो ये हो रहा है प्लस, देखो 50 है ना, तो पहले तो हम मल्टीप्लाई वालों को करेंगे, पहले तो मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, 57 को और 19 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना बोर्ड मैथ्स का रूल होता है, वैसे देखो बोर्ड मैथ्स का रूल क्या होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, देखो ये रूल होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, ठीक है, फिर डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले यहां पर डिवाइड तो कहीं दिख नहीं रहा आपको, डिवाइड कहीं दिख रहा है, डिवाइड कहीं पर भी नहीं है, हाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है, 57 और 19 को करते हैं, 133 6 13 133 हो गया, ठीक है, 6 7 13 113 13, उसके बाद 19 5 5 9 45 95 95 और 13 हो जाएगा 108, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इनके साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस, आप नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ये आ गया प्लस का 57। अब यार इन दोनों की कमांड देखोगे, दोनों प्लस करने को कह रहे हैं, अब प्लस करने को कह रहे हैं तो जोड़ते हैं, 7 3 10 और 9 5 14 और ये, ठीक है, आंसर ये आ गया, दोनों की कमांड सेम थी, ये भी कह रहा प्लस करने को और ये भी कह रहा प्लस करने को, जब सेम कमांड होती है तो जोड़ देते हैं, और जोड़ के आंसर ये आ गया। अब इस आंसर पे साइन किसका लगेगा, जो इन दोनों में बड़ा है, बड़ा तो ये है, और इस पे साइन है प्लस का, तो यहां पर भी क्या लगा देंगे, प्लस का, तो ये है आपका आंसर, जल्दी से उतार लीजिए आप लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस
requires that room temperature be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour. बेटा यहां पर ना हमारे पास एक कमरा है, समझाता हूं इसका मतलब. देखो हमारे पास लेट सपोज एक कमरा है, ये रहा हमारे पास कमरा. मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूं जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाए. ये आपका रूम है, ठीक है, और रूम का जो टेम्परेचर है वो अभी है 40 डिग्री सेल्सियस. अभी इस पूरे कमरे का अंदर का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस. हमने इसमें एक फ्रीजिंग प्रोसेस लगा रखा है. बच्चों फ्रीजिंग प्रोसेस का मतलब होता है जो ठंडा करता है कमरा. फ्रीजिंग का मतलब ठंडा करने वाला प्रोसेस. एक प्रोसेसर लगा रखा है. लेट सपोज मैं यहां पर ये बना दूं, ये फ्रीजिंग प्रोसेस है. मान लो लेट सपोज ये फ्रीजिंग प्रोसेस है, ये कमरे के तापमान को ना ठंडा करता है. भाई फ्रीज का मतलब ही शब्द क्या होता है, ठंडा करना, है ना. चलिए कमरे का तापमान अभी कितना है, रूम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस. हमने इसमें क्या लगा रखा है, एक फ्रीजिंग प्रोसेस जो इस कमरे के तापमान को बढ़ाएगा या कम करेगा, कम कर देगा बच्चों, ठीक है. चलिए और यहां पर बोला भी हुआ है एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर. बेटा ये जो फ्रीजिंग प्रोसेस लगा रखा है ना, ये जो मैंने ऐसे बना रखा है डार्क करके फ्रीजिंग प्रोसेस, ये हर एक घंटे में 5 डिग्री तापमान कम कर देता है. ध्यान से सुनना, यहां पर लिखा है फ्रीजिंग प्रोसेस. ये जो हमारा फ्रीजिंग प्रोसेस है लोवर्ड द टेम्परेचर इन वन आवर. मतलब कि हमारा ये जो फ्रीजिंग प्रोसेस है, बेटा ये लाइन ना यहीं पर आती, जगह नहीं थी इस वजह से मैंने नीचे डाल दी. हमारा ये जो फ्रीजिंग प्रोसेस है वो एक घंटे के अंदर तापमान को कितना कम करता है, 5 डिग्री सेल्सियस. समझना इस बात को. हमारा ये जो फ्रीजिंग का प्रोसेस है ना बच्चों, ये एक घंटे में तापमान को 5 कम कर देगा. कितना, 5 डिग्री. मतलब एक घंटे बाद, अगर मैं बात करूं एक घंटे के बाद क्या होगा, तापमान 40 नहीं रहेगा, 35 डिग्री सेल्सियस होगा. देखो 5 कम कर दिया. अब दूसरे घंटे में क्या होगा, हमारा जो सेकेंड आर होगा तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर कितना होगा, अभी 35 है ना, 5 और कम हो जाएगा तो 30 डिग्री सेल्सियस. तीसरे घंटे में क्या होगा, टेम्परेचर और 5 डिग्री कम हो जाएगा तो 25 डिग्री सेल्सियस. तो हर एक घंटे में तापमान कितना कम हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस. ये है हमारा फ्रीजिंग प्रोसेस, धीरे धीरे कमरे के तापमान को कम कर रहा है, ठीक है. अब यहां पर क्वेश्चन ने बोला है और हमारा रूम टेम्परेचर कितना, मैं वो भी लिख देता हूं ऊपर, लिख देते हैं रूम का टेम्परेचर कितना है. रूम का हमारा टेम्परेचर जो है वो है 40 डिग्री सेल्सियस, है ना. कमरे का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस और कमरे में जो हमने फ्रीजिंग प्रोसेस लगा रखा है वो एक घंटे के अंदर तापमान को कितना कम करता है, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. ये चीज क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया होगा. व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन. इस फ्रीजिंग प्रोसेस को चलाने के बाद 10 घंटे में टेम्परेचर कितना होगा कमरे का. देखो ध्यान से, फ्रीजिंग प्रोसेस लोवर्ड द टेम्परेचर इन 10 आवर. क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैं इस फ्रीजिंग प्रोसेस को चालू करूंगा उसके 10 घंटे बाद कमरे का तापमान बताओ. अभी कमरे का तापमान कितना है, देखो अभी मैंने फ्रीजिंग प्रोसेस चालू नहीं करा. अभी ये जो बच्चों फ्रीजिंग प्रोसेस है उसे मैंने चालू किया ही नहीं है. जब चालू नहीं किया तो कमरे का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है. जैसे ही मैंने इस फ्रीजिंग प्रोसेस को कर दिया ऑन, अब 10 घंटे बाद इस पूरे कमरे का तापमान कितना होगा ये बताना है. तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि 10 घंटे में फ्रीजिंग प्रोसेस तापमान कम कितना करेगा. अगर ये फ्रीजिंग प्रोसेस एक घंटे के अंदर 5 डिग्री कम करता है तो देखो एक का आपको दे रखा है और आपको एक से ज्यादा का निकालना है तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. हम 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50 डिग्री सेल्सियस. समझना मेरी बात. एक घंटे में कितना तापमान कम होता है बता रखा है, ये रहा. आपको 10 घंटे का निकालना है, एक का दे रखा है, एक से ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं. देखो अभी तो मैंने इसे मिटा देता हूं. देखो एक का आपको दे रखा है, आपको एक से ज्यादा का निकालना है तो बेटा इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ गया 50 डिग्री सेल्सियस. मतलब कि 10 घंटे में टेम्परेचर कितना कम होगा, 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा, इतना मुझे पता है, ठीक है. अब हम लिखेंगे रूम टेम्परेचर
आफ्टर 10 आवर्स। मतलब कमरे का तापमान बताना है 10 घंटे बाद कितना होगा। तो भाई मुझे पता है पहले कमरे का तापमान था 40 डिग्री सेल्सियस था कमरे का तापमान, और 40 डिग्री सेल्सियस मतलब इस 10 घंटे में टेम्परेचर कितना कम होगा, 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, है ना, समझना मेरी बात। जैसे मान लो ये कमरा है, इसका रूम टेम्परेचर है अभी 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैं कह रहा हूं मैंने इसमें ना फ्रीजिंग प्रोसेस लगा रखा है। क्या लगा रखा है? फ्रीजिंग प्रोसेस। ये जो फ्रीजिंग प्रोसेस है वो 2 घंटे के अंदर 3 डिग्री कम कर देगा। कितने करेगा? 2-3 डिग्री कम। तो 3 डिग्री कम करने के बाद रूम टेम्परेचर कितना हुआ? पहले 10 डिग्री सेल्सियस था, अब 3 डिग्री कम हो गया तो 7 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना, समझ रहे हो। देखो हमारे कमरे का तापमान पहले कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। हमारा ये जो फ्रीजिंग प्रोसेस है वो टेम्परेचर को कितना कम कर रहा है? 3 डिग्री सेल्सियस। कितना कम कर रहा है? 3। तो भैया पहले 10 था और 3 तो कम हो गया, तो नया टेम्परेचर कितना कमरे का? 7। सेम कुछ ऐसा ही है यहां पर भी। ध्यान से सुनना, हमारे कमरे का तापमान पहले कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। देखो मैंने लिख दिया, फिर माइनस किया टेम्परेचर, ये कम कर रहा है ना फ्रीजिंग प्रोसेस, इतने इसने कितना टेम्परेचर कम कर दिया? 50 डिग्री सेल्सियस ये कम करेगा। कितना करेगा? 50 डिग्री सेल्सियस तापमान कम कर देगा। पहले तो इस पूरे कमरे का तापमान था 40 डिग्री सेल्सियस, उसमें से माइनस कर दिया उसने 50 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर देखते हैं क्या होता है। ये कह रहा है प्लस करने को, ये कह रहा है माइनस करने को, दोनों की कमांड एकदम अलग अलग है और अलग कमांड में हमेशा माइनस करते हैं, तो 10 डिग्री सेल्सियस आ गया आंसर। और जो आंसर आएगा उस पर साइन किसका लगेगा? बड़े का, जो बड़ा होगा। बड़ा कौन है? 40 है 50 भाई, 50 बड़ा है, उस पर माइनस का साइन दिख रहा है, तो यहां पर भी माइनस का साइन लगा देंगे। इस चीज को अपने दिमाग में गांठ बांध लो, ये जो चीज मैंने बताई है। और याद रखना, क्वेश्चन ने बोला था जब भी आप इस फ्रीजिंग प्रोसेस को चालू कर दोगे, उस चालू करने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा? माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस होगा। इस चीज को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। हमारा ये जो फ्रीजिंग प्रोसेस है इसके बारे में हमें एक बात बताई थी, ये हर एक घंटे में 5 डिग्री टेम्परेचर कम करता था, हर एक घंटे में 5 डिग्री। अगर हम इसे 10 घंटे तक चालू रखेंगे तो कितना कम करेगा? 50 डिग्री, है ना। अगर मान लो मुझे यहां पे 2 घंटे का निकालना होता तो हम इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते, 10 मतलब 10 डिग्री सेल्सियस आता। अगर मान लो मेरा यहां पर 9 होता, 9 घंटे के लिए चला रहे होते हम इस फ्रीजिंग प्रोसेस को, 9 घंटों के लिए चलाते, तो ये कितना टेम्परेचर कम करता? भाई देखो, एक का आपको दे रखा है, ठीक है, एक से ज्यादा का निकालना है तो इस वाले और इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 डिग्री सेल्सियस कम करता। लेकिन हम तो यहां पर कितने घंटे चला रहे थे भाई, देख लो 10 घंटे, कितने? 10 घंटे, इसीलिए यहां पर 50 आया, ठीक है। इस चीज को समझ में आ गया, पहले कमरे का तापमान था 40 डिग्री सेल्सियस और ये जो फ्रीजिंग प्रोसेस है उसने टेम्परेचर माने कि तापमान को कितना कम किया? 50 डिग्री सेल्सियस। पहले कमरे का तापमान था 40 डिग्री सेल्सियस, उसमें से माइनस कर दिया, कम कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री में से माइनस कर दिया 50 डिग्री, आंसर आ गया माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा, हमारे कमरे का नया तापमान है, रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, कमरे का तापमान 10 घंटे बाद, ठीक है। तो जल्दी से कर लीजिए। तो बच्चों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं करता हूं वीडियो का एंड, अब मिलेंगे आपको बच्चों अगली वीडियो में और आने वाले एक्सरसाइज के नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बच्चों, अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।